Excuse me, brother. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. So, अभी जिस पे मैं react करूँगी, वो है सरोजनी नगर Excuse me, brother stand-up comedy by Akash. So, ये ना Excuse me, brother वाली line ना बहुत ज़्यादा famous हो रखी है reels वगैरह में भी और काफ़ी ज़्यादा ना social media पे दिखती थी मुझे. और जब मैंने रिएक्शन चैनल बनाया था स्टार्टिंग में तो मैं काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वाली चीज़ों पे भी रिएक्ट करती थी, तो तब मुझे सजेशन आए थे लोगों के कि आप इस पे भी रिएक्ट करो. वैसे मैंने पूरा नहीं देखा है, थोड़ा सा ही शॉर्ट देखा था तो वो बहुत ज़्यादा फनी था. तो लेट्स सी ये कैसा होने वाला है और पूरा कॉमेडी देखेंगे अभी बिना किसी देरी के. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे आके बताना मैं किस पर रिएक्ट करूँ. और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो साइड में आईडी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो. अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं. ओके सो स्टार्ट. बट दिल्ली की ना एक जगह है जो मेरी फेवरेट जगह है, ठीक है, उसका नाम है सरोजनी नगर. ठीक है, इट्स अ फ्ली मार्केट. जैसे आपके यहाँ ही है ना लिंकिंग रोड, हिल रोड, फ्ली मार्केट समझते हो आप, जहाँ वो चल रहा था डेढ़ सौ लूट लो आराम से यार, आराम से. सही कह रहे हो. भैंसी गिर गया क्या भाव? नहीं, भैंसियों की चल चलते फट जाती, क्या गिर गया? पूरा तो बता. नॉटी ये मार्केट पता क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ ना बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं. पर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ इतना प्यार मिलता है, आपको कोई आइडिया नहीं है यार. जितने लोगों को लगता है ना कि दिल्ली बहुत रूड है, बहुत अग्रेसिव है, एक बार सरोजनी चाहिए. रैंडम लौंडे, रैंडम आपको इतने प्यार प्यार से बुला रहते हैं, एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर टी शर्ट, एक्सक्यूज मी सिस्टर टॉप, एक्सक्यूज मी. ना इतने प्यार से सगे ब्रदर ने नहीं बुलाया कभी घर पे यार. और ये नॉर्मल टोन नहीं होते इनकी, ये पता है ये 5 फुट के लौंडे होते हैं, इनके 3 फुट के स्पाइक्स होते हैं, इनके शरीर पे कहीं भी पियर्सिंग हो रखी होती है, जीप पे झुमका है, मतलब एक स्कार. आप शक्ल देख के बता सकते हो कुछ तो रात को बोरियों में लाश वाश पैक करते हैं, मतलब कुछ कुछ है इसका, मेन काम ये नहीं है. पर आप क्या आते हैं, एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर इधर सारा वेर मोटा. मैं कहा ये मीठा सुर आपके मुंह से निकल रहा है. यार इन लौंडों में ना कुछ कन्विंसिंग पावर होती है कि आप इनके मुंह पे ना पहली बारी में मना ही नहीं कर सकते. एक बार मैं सरोजनी में जा रहा था, मेरी पीठ पे एक हाथ आ गया, अरे ब्रदर सब ठीक है, सब ठीक है ना, चलिए फिर टी शर्ट देखते हैं. यार मैं चला नहीं गया, मैं 2-3 देख भी ली, फिर मुझे रिलाइज हो साले मेरे को लेनी नहीं है यार, फिर वश वश में कर लेते हैं यार. ये कौन से MBA स्कूल से पढ़ के आए हैं? ये मार्केटिंग सेलिंग टेक्निक कहाँ सिखाई जा रही है यार? क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके होते हैं इनके यार फंसाने के. एक बार हम 3 दोस्त जा रहे थे, फिर से वो आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी ब्रदर. मैं कहा हाँ ब्रदर, आपने जीन्स बोली थी वो आ गई है. नहीं यार मैंने नहीं बोली थी. ओ ब्रदर आपने नहीं बोली थी, ओके. पर ब्रदर आ गया तो देख लेते, चलिए ब्रदर जींस सिखाया जाए. फिर ले गया मेरे को वहां, एक बंदा जींस खोल के खड़ा, मेरी टांगे डाल दी उसको उन्होंने. यार यहां तक लेके घूम रहा हूं मैं जींस, अब तो खरीदनी पड़ेगी ना, प्लानिंग देख रहे हो आप. एक बंदा यहाँ ना बेल्ट बेच रहा था, ठीक है भाई, वो भी एक अलग कैरेक्टर होता है यार. देखो नॉर्मल बेल्ट खरीदने का क्या तरीका होता है कि आप शॉप पे या शोरूम में जाके ऐसे दीवार पे या रैक्स पे बेल्ट होती है, आप चूज करते हो. ये आदमी अपनी गर्दन पे 70 बेल्ट पहन के घूम रहा है यार, बेल्ट पहन के घूम रहा है, ऐसे बक्कल यहाँ लटक रहे हैं सारे इसके. और ना एक इसके हाथ में लिपटी होती है ऐसे, और ये ऐसे खड़ा रहता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम हार्मलेस बंदा लगता है आपको. कि पर जैसे ही तुम इसके सामने से निकलो ना, ये बेल्ट खोल के तुम्हारे पैरों के आगे मारता है. ब्रदर बेल्ट, बेल्ट ब्रदर. गांड मिलेगी आपके पास, क्योंकि ये वाली फाड़ दी आपने. ये
ये जो आपने मेरे सामने मनुवर्स किए ना, ये मेरी फट गई है। तो बेल्ट नहीं, स्पेयर गार्नर लगा दीजिए आप। इसका मैं क्या करूं यार, इसको बेच देते। एक्सक्यूज मी ब्रदर गान, फटी गान ब्रदर। यार ये कौन सा तरीका बेल्ट बेचने का? हाँ ये कौन इंप्रेस हो रहा है इससे? ये कौन से कस्टमर हैं जो मार्केट में आके कह रहे हैं, भाई साहब एक बेल्ट दिखाइए, उसकी फिटिंग नहीं उसकी हीटिंग बढ़िया होनी चाहिए। मैंने उससे जाके पूछा, मैं कहा भैया ये बेल्ट कमर पे कैसी लगेगी? जोर से लाल कर देगी, पीछे मुड़ो डेमो देता। नहीं नहीं मैं नाड़ा पहनता हूँ, मैं तो ऐसे पूछ रहा था आपसे। भाई इस बंदे से ना बार्गेनिंग मत करना कभी। इसने 250 बोला, चुपचाप 250 की ले लो। इसको मत बोला क्या भैया 200 लगा लो ना यार। अरे आप वर्थ देखिए ना क्वालिटी। हाँ अरे खून निकाल जा रहे है, वर्थ है, जेन्युइन लेदर है भाई साहब, 50 का वर्थ है ये तो। कौन है इसकी टारगेट ऑडियंस? कोई तो टीजी इसकी भी है ना, क्योंकि इतने सालों से धंधा चल रहा है इसका। मुझे लगता है इसकी टारगेट ऑडियंस है वायलेंट फादर्स, हरामी बाप नहीं होते जो, वो क्लाइंट है इसका। वो मार्केट में आते खुश थे, सर आगे सर आइए आइए, इतने दिन बाद आए। सर देखिए नया माल आया है, ये यूनिट टेस्ट वाइवा वगैरह के लिए। ये सर मोटा बक्कल है, ये 10th-12th के बोर्ड्स के लिए। ये सर जनरल फन बेल्ट्स, पानी की बोतल क्यों नहीं भरी? फटैच, शिमला घूमने जाएंगे हैं, नाइट आउट फटैच, जनरल फन बेल्ट सर। सर ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सर, इधर आइए आप देखिए। ये अगर आपके बच्चे कॉलेज के बाद कह रहे हैं वो पैशन फॉलो करेंगे, तो मारने के लिए डांसर सिंगर ये सब बनेंगे ना, एनजीओ खोलेंगे हैं। सर ये MBA कराती है सर, इसको हम बोलते हैं कैट बेल्ट। आप उसकी पीठ पे मारेंगे उसके मुंह से निकलेगा कैट, ठीक है सर? 2-3 मारेंगे एंड मैं एग्जैक्ट सारे पेपर देगा सर वो। और सर दोनों तरफ से मारना, वरना क्या रिटर्न क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू रह जाएगा। फिर आप आके हमें बोलेंगे। और सर वो साइड वाली दुकान से मत लेना, सोनू की दुकान से, उसकी दुकान से लो ना, प्राइवेट कॉलेज निकलते हैं। MIT शारदा, वर्ल्ड इज हियर, वेयर आर यू, वी आर इन गुड कॉलेजेस। आप हमारी बेल्ट लीजिए सर, आई एम अहमदाबाद निकलवाएंगे हम, फर्स्ट अटेम्प्ट। ये देखिए सर टॉपर्स की फोटो देखिए आप, वो नहीं होती कोचिंग सेंटर के बाद टॉपर्स की फोटो लगी होती है, इसने वही फोटो नंगी पीठों के साथ लगवा रखी है। सर देखिए राहुल पीठ देखिए कितनी लाल है, 25 लाख का पैकेज सर हमारी बेल्ट है सर, मैं खुद आई एम ड्रॉप आउट हूँ सर। बहुत ज़बरदस्त लौंडे होते हैं यार ये। उस दिन मैं जा रहा था सरोजनी में, एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा ब्रदर गॉगल्स। भाई उसने पहना दी मुझे छुए बिना, मैं तो इम्प्रेस ही हो गया यार। मैं तो प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मैं खड़ा हूँ किसने गॉगल्स पहना दिए, मैं चल रहा हूँ सडनली गॉगल्स आ गए हैं ऐसा। यहाँ से रेबान लटक रहा है, सब कुछ काला काला दिख रहा है मुझे। मैं कहा भाई जादू कर रहे हैं क्या आप, जरा कबूतर भी निकालिए फिर यहाँ से। यार मैं खुद का चश्मा खुद को छुए बिना नहीं पहना पाता हूँ। ये बंदा सही बात है, 150 ब्रदर। पर अब ये चीज़ हो गई कि ना ये इस मार्केट में ना आपसे बिना पूछे आप चीज़ें ट्राई व्राई कर देते हैं, वो इंसिस्ट करना बंद कर दिया। एक्सक्यूज मी, वो सब पहले बड़ा मजा आता था, एक्सक्यूज मी सिस्टर, अरे जीजू भी आए हैं, जीजू जीन्स सिस्टर के लिए कपल, एक्सक्यूज मी लवली कपल, सब मजे लेते रहते थे यार ये लोग। अब ये बिना पूछे प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं। उस दिन किसी ने ना मुझे हेड मसाज दे दी, वो नहीं तो एक हेड मसाजर है, वो ऐसे लोहे की डंडियां ऐसे फैल जाती हैं सर पे। हाँ। यार मैं चल रहा हूँ मार्केट में, पीछे से धुर क्या क्या एंजॉय किया ना? एंजॉय किया हाँ थोड़ा सा, 30 rupees, 30 rupees देने पड़े यार। उसको देख के ना एक बंदा मेरी पीठ पे खुजली करने लग पड़ा, वो एक डंडी आती है उसके आगे कार्टून के 2 दांत ऐसे रहते हैं, देखा आपने? वो बुद्ध आड़े का खुजली नहीं करते थे, पीछे पड़ गया, भैया ले लो, भैया कहाँ भाग रहे हैं, ले लो भैया, भैया 6 किलोमीटर हो गए अब तो ले लो।
आप सोचो कितना वियर्ड हो जाएगा सारे दुकानदार ऐसी अथॉरिटी लेने कि आपसे पूछे भी ना आप पे प्रोडक्ट ट्राई ही हो जाता है. तुम मार्केट में घूम रहे एक बंदा आएगा, सब ना ट्रिमर है, ट्राई करेंगे? ट्राई? गंजा कर दिया भैंस एक तरह से. ये तो पहले पूछना होता है, ये लेकर कहाँ घूमू मैं? या तो यहाँ से भी कर बैकअप बना दे मुझे. नहीं जींस आई है ब्रदर की पैंट उतारो, बहुत बढ़िया. अरे कच्चा भी नहीं पहना पॉपी शेम ब्रदर. अरे मार्केट में नंगे आ गए हैं यार, छी 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 छी. अरे बड़े नंगे से आता है, कॉन्डम ट्राई करेंगे? ये देखिए 10 साल से बेच रहा हूँ ब्रदर ऐसी फिटिंग. ब्रदर कॉन्डम. ओके सर, वो उतना ही था, मुझे लगा और है, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया यार, और होना चाहिए था. एक्चुअली मेरे गाल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं हंस हंस के, बिकॉज इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं ये कैसे कर लेते हैं? आप स्टेज पे खड़े हो और आपको बोलना है और हंसाना है लोगों को, क्या चीज़ें सोचोगे आप? बहुत कम चीज़ें, मतलब हम हो तो भाई हमें समझना है कि हमें बोलना क्या है एग्जैक्टली. थोड़ा सा हंसा दिया, उसके बाद कैसे? सरोजनी नगर की माहौल जैसा होता है वहाँ पे, जो सेल्समैन होते हैं वहाँ पे सीरियसली ऐसे ही करते थे पहले. अभी तो खैर कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से इधर उधर टच वच नहीं कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली ऐसे होते हैं कि एक्सक्यूज मी ब्रदर. बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये स्टैंड अप कॉमेडी देख के, और आप ये देखो कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ठीक है, बोल रहे हैं काफ़ी चीज़ें और साथ में एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं, इतनी सुपर्ब तरीके से ये बता रहे हैं ना, माय गॉड. बहुत मज़ा आ गया, खून बढ़ा दिया इन्होंने मेरा लिटरली हंस हंस के. मैं मेरा जबड़ा दर्द हो गया हंस हंस के सच में, इसलिए मैं कंट्रोल भी कर रही थी, बार बार ऐसे कर रही थी. बहुत ज़्यादा दर्द हो गया यार, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अभी भी. ओके सो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आप लोगों को कैसा लगा ये रिएक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और अगर आपके माइंड में कोई और साइन अप कॉमेडी है जिस पर आप चाहते हो मैं रिएक्ट करूँ, तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना. कोई भी कॉमेडी वीडियो, स्टैंड अप कॉमेडी या फिर कुछ और भी, तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना, मैं ज़रूर उन पर रिएक्ट करूँगी. सो यार दिस वाज माय रिएक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. सो मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.